हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सिंह स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम कर रहे थे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल बीए पार्ट सेकंड ईयर की बुक है, फर्स्ट बुक के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो पादप हो गया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। पादप हमने इसको कर लिया है। ये मानव भूगोल बिल्कुल से सिंपल सी बात है कि मानव भूगोल के अंदर देखो, भौतिक भूगोल में क्या था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा। भौतिक भूगोल में हमने भौतिक इकाइयों के बारे में पढ़ा, भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा। अब हम मानव से संबंधित उसी भौतिक पर्यावरण की ही बात करेंगे, लेकिन वो किससे संबंधित होगा, मानव से संबंधित होगा। मानव वहाँ कैसे विचरण करता है, ठीक है ना। तो अब उन चीजों को हमें देखना है। तो ये है मानव भूगोल हमारे पास में, जो कि भौतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण के बीच में संबंधों का विवरण करता है। वो कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो मानव भूगोल के बारे में जानते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने सेकंड क्लास इससे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लिया है और हमारी दो क्लासें हो चुकी हैं। और मानव भूगोल की परिभाषा हमारा टॉपिक चल रहा था, और मानव भूगोल की परिभाषा में भी हमने रैथजल और सैंपल की, जो एलन चर्चिल सैंपल है, उसकी परिभाषा यहाँ पे हो चुकी थी। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मानव भूगोल है, इसका विकास अलग अलग संप्रदायों यानी कि ज्योग्राफिकल स्कूलों में हुआ है, और जिसके अंतर्गत फ्रेंच यानी फ्रांस से कौन कौन अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, विडाली लाब्लाश है, जीन ब्रूनश है, अल्बर्ट डिमांजिया। जर्मन से देखें तो रेटजल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। और ब्रिटिश में देखें तो हमारे पास मिलेगा मैकेंडर, जे फ्लोयर। अमेरिकन में एलन चर्चिल सैंपल और हटिंगटन और कार्ल सावर और जी ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना। तो ग्रिफिथ टेलर ये भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहेंगे। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो फ्रेडरिक ने क्या परिभाषा दी थी मानव भूगोल की? तो फ्रेडरिक क्या कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजल जो है वो कहते हैं कि मानव भूगोल में मानव समाजों और धरातल, ठीक है, धरातल के बीच के संबंधों को देखा जाता है, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो वो मानव भूगोल। ऐसा ही ये बात उन्होंने किसमें कही, एंथ्रोपो ज्योग्राफी उनकी पुस्तक का नाम है, इसमें उन्होंने भी ये बात लिखी है मानव भूगोल के बारे में। एलन चर्चिल सैंपल की बात करें तो यहाँ हमारे पास में बात आती है, सिंपल सी बात है बिल्कुल ही, कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, दो ही शब्द अगर आपको याद है तो समझो इसकी परिभाषा आपको याद है। कैसे के मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में। तो चर्चिल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। ये बात अपने को अगर याद है तो हमारे पास में एक परिभाषा तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करने वाले थे पाल विडाल डिला ब्लाश। इसको ब्लाश ही कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम भी अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, और ये फ्रांस से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक का जो नाम है वो मानव भूगोल के सिद्धांत है, मानव भूगोल के सिद्धांत। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव, पृथ्वी और मानव, देखो बात यहाँ पे क्या होगी कि भौतिक इकाई और वहां पर रहने वाला मानव, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो मानव जो है वो वहां पर अपना जीवन यापन कैसे करता है, इसका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो यही बातें रहेंगी सबके लिए। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है मानव भूगोल जो है, वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है, जिससे पृथ्वी के को नियंत्रण करने वाले नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो नियम एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है, या उसका अधिक अध्ययन किया जा सकता है, स्पष्ट अध्ययन किया जा सकता है। किसके तहत? मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। ये बात आ गई किसकी? पाल विडाल डिला ब्लाश की। और कहां से? ये फ्रांस से हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। डिकेन और पेटस, सिंपल सी बात कहते हैं, डिकेन और पेटस कहते हैं कि मानव भूगोल मानव के उस कार्यों, मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव और उसके जो कार्य हैं उनको समाविष्ट कर लो, मानव भूगोल कंप्लीट हो गया। जैसे
मानव क्या है कि अगर उसको कोई बीमारी है तो वो कहाँ जाएगा, चिकित्सा में जाएगा, अपना इलाज करवाएगा, तो वो क्या है, संसाधन है। तो ये क्या चीजें आती हैं, ये चिकित्सा जो है, चिकित्सा भूगोल जो मानव भूगोल की आगे एक शाखा बन जाती है, संसाधन भूगोल बन जाता है, आर्थिक भूगोल बन जाता है, तो ये सब क्या है, मानव भूगोल की शाखाएं कहलाती हैं। तो यही बात कहते हैं कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। उसके बाद में आते हैं जीन ब्रोश। जीन ब्रोश जो है ये भी फ्रांस से हैं, और वे सभी दृश्य हैं जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करते हैं। वे सभी दृश्य, आप अपने पास में कोई भी दृश्य देख लो जिसमें मानव कार्य करता है, यानी मानव इन्वॉल्व है जिसके अंदर, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगर हम सुबह घर से निकलते हैं, बस पकड़ करके शहर में आते हैं, तो भी वो जो बस है, यानी कि परिवहन है, यातायात है, वो भी मानव भूगोल का एक विषय है, मानव भूगोल की एक शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और उसके और इस प्रकार भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो वे सभी दृश्य जिनमें मानव की क्रियाएं होती हैं, मानव की क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्य को मानव भूगोल कहते हैं। हटिंगटन जो है अमेरिका से, मानव भूगोल वातावरण, मानव भूगोल दो शब्द दो को ही दे रहा है ये, मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं, वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को का वितरण या उनकी प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल। तो यानी इस प्रकार से आप इसको सिंपल भाषा में बना सकते हैं, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, तो ये याद रहे तो बहुत बेस्ट रहेगी। फेलमैन, फेलमैन तथा गेटिस, गेटिस तो मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के दो मुख्य वर्गों में से एक है। अब दो मुख्य वर्ग कौन कौन से, एक भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। दो मुख्य वर्गों में से एक है जो मानव जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, उनकी संस्कृति, उनके क्रियाकलापों, व्यवहार, उनके परस्पर संबंधों और भौतिक दृश्य भूमि पर प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये मानव भूगोल है। मानव भूगोल क्या है, क्रमबद्ध भूगोल का एक शाखा है, एक वर्ग है, और जिसके अंतर्गत मानव की जनसंख्या, मानव जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, यानी जनसंख्या कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, यहाँ अधिक है तो क्यों अधिक है, कारण क्या है उसका, इनका विश्लेषण करना, उनकी संस्कृति कि वो शायद हो सकता है कि एक ही संस्कृति के हैं इसीलिए वहां पे इकट्ठे बैठे हैं, और उनके क्रियाकलाप या वो एक ही काम करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में लगे हुए हैं इसलिए वो फैक्ट्री के आसपास ही बस्ती बना करके बैठ गए हैं, उनका व्यवहार एक जैसा है, उनके परस्पर संबंध, आपसी संबंध है, और भौतिक दृश्य पर प्रभाव का विवरण, और भौतिक दृश्य पर उनका प्रभाव कैसा है, कि उनका अच्छा प्रभाव है इसलिए वो टिके हैं एक जगह पर, अगर उनका प्रभाव बुरा होता तो वो अब तक प्रकृति की चपेट में आ जाते। तो ये इन सब का विवरण प्रस्तुत इसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। यहां तक तो थी हमारे पास में परिभाषाएं जिनका आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, कि कई विद्वानों ने कहा, कई भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि जो मानव भूगोल है ना वो मानव पारिस्थितिकी है, जैसे जीव भूगोल या हम कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान होता है, जो तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर किसकी बात की जाती है, तो जीवों की बात की जाती है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो मानव पारिस्थितिकी है इसके अंदर मानव के बारे में ही बात करेंगे, और मानव भूगोल में भी किसकी बात होती है, मानव की बात होती है, इसलिए हमने मानव भूगोल के क्या क्या कह दिया, मानव पारिस्थितिकी कह दिया है। देखिए कैसे, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान बेरोज, बेरोज ने सन 1922 में सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलविदों की समिति के अध्यक्षीय भाषण में यह स्पष्ट किया कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल क्या है, मानव पारिस्थितिकी है, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। और ये कौन थे, बेरोज थे, शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान थे, और इन्होंने अमरीकी भूगोलवेत्ताओं की एक
स्मृति थी, उस स्मृति के अंदर इन्होंने ये बात रखी थी सामने के। अब इसको सिद्ध भी करना होगा, तो पारिस्थितिकी विज्ञान में संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में तो जीव जगत और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। तो फिर मानव भूगोल को आपने पारिस्थितिकी कैसे कहा, क्योंकि मानव भूगोल में भी क्या किया जाता है, मानव और उसके पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर मानव पारिस्थितिकी में मानव एवं उसके सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए इसको हमने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा है। इसमें मानव पर्यावरण संबंधों को महत्व दिया जाता है। मानव भूगोल में किसको महत्व दिया जाता है, मानव पर्यावरण संबंधों को महत्व दिया जाता है कि मानव का पर्यावरण के साथ तालमेल कैसा है, कि उसने पर्यावरण को अपने जैसा बनाया या खुद को पर्यावरण जैसा बनाया या उससे लड़ता रहा वो, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसमें मानव पर्यावरण संबंधों को महत्व दिया जाता है, जिसमें मानव समाज के प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के विकास क्रम को सम्मिलित किया जाता है, कि मानव समाज जो है उसका प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक का जितना भी विकास हुआ है वो किसके अंतर्गत आएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, और वही क्या कहलाती है, मानव पारिस्थितिकी कहलाती है, एक पारिस्थितिकी बन जाता है। यह विकास संपूर्ण भूवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक समय के अनुसार नियमन एवं अनुकूलन द्वारा संसार को परिवर्तित करते हुए पूर्ण हुआ है। ये जो समय है, ये जो विकास हुआ है मानव का, आज जहाँ मानव पहुंचा है, पहले जब वो आदिवासी था तो आदिवासी से लेकर के आज तक की अगर हम बात करते हैं तो वह जिन जिन चीजों से निकला है उनके साथ में उसने नियमन किया है या उनके साथ अनुकूलन किया है, उसमें अपने आप को अनुकूल बनाया या उसमें नियमन यानी कि सुधार किए हैं, तो इन सब परिवर्तित करते हुए पूर्ण हुआ है ये विकास। इस विकास का हम समझते हैं और इसे ही हम कहते हैं मानव पारिस्थितिकी, ठीक है। ओके, 1972 के स्टॉकहोम में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ है, कब हुआ है, 1972, और 1972 में ही बाघ परियोजना की शुरुआत हुई है राजस्थान में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई है, परियोजना यानी कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सम्मेलन के उपरांत भूगोल में मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। आप देखो मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, स्टॉकहोम के प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में किया जा रहा है, और वहां तो उन्होंने मानव पारिस्थितिकी कहा था, ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। तो इसके बाद में आता है, मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी मानने वाला विश्वास था कि प्रकृति में भोजन श्रृंखला के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव समूह व पादपों सहित मानव भी सम्मिलित है। जैसे हम खाद्य श्रृंखला देखते हैं, उस खाद्य श्रृंखला के अंदर प्राथमिक होता है, उत्पादक होता है, घास होगी, घास को कीट ने खाया, कीट को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला होती है जो चक्कर चलता है, उसके अंतर्गत मानव भी तो आता है ना, कि मानव ने अनाज बोया और अनाज को मानव ने खाया, और मानव की जब मृत्यु हुई तो अपघटन हो गया और वो मिट्टी में मिल गया, तो ये क्या है, कर्म है, ये खाद्य श्रृंखला है, उसमें मानव भी आ गया, और अगर मानव भी आ गया है तो इसका मतलब मानव पारिस्थितिकी भी होनी चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो रेटजल ने भी अपनी पुस्तक के अंदर रेटजल की राज्य संबंधित जैविक संकल्पना जो है, आगे हम पढ़ेंगे इन संकल्पनाओं को, कि रेटजल ने राज्य संबंधी जैविक संकल्पना दी थी। एक उसने कहा था कि राज्य एक जीव की तरह है जो आसपास के क्षेत्रों को खाता जाता है और बड़ा होता जाता है, यानी एक जो राज्य होता है वो दूसरे राज्य को दबाने की कोशिश करता है। एक राजा जो था वो आसपास के राजाओं को, कमजोर थे जो उनको दबाता था, और दबाने से उनका जो एरिया था वो अपने अंडर में ले लेता था। इसका मतलब वो आसपास के राजाओं को दबा करके वो उसका अपना विस्तार करता जाता है, तो मानव भी क्या करता है, अपना विस्तार करता जाता है। तो इसीलिए
उसमें भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव पारिस्थिति से संबंधित यहाँ बात सामने आती है। इसकी रेड जेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, डेविस की भू आकृतिक विज्ञान संबंधी संकल्पना, कुमारी सैंपल, हटिंगटन व ग्रिफिथ टेलर के पर्यावरण निश्चयवाद, इनका पर्यावरण निश्चयवाद जो रहा था, नव निश्चयवाद जो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा था उन्होंने कि पृथ्वी को हावी माना था, सॉरी पृथ्वी और मानव को एक बराबर माना था, इक्वल माना था। और उसके बाद में आते हैं हर्बर्टसन, हर्बर्टसन के प्रादेशिक भूगोल के चिंतन, इसकी जो कृति है प्रादेशिक रचना जो है इनकी वो ये है प्रादेशिक भूगोल के चिंतन आदि के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति है। इन सब के द्वारा ये बात स्पष्ट हो चुकी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मानव भूगोल की क्या है, मानव परिस्थिति है, ठीक है। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं मानव भूगोल के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य, मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान, मानवीय संसार के रूप में, यानी मानवीय संसार क्यों कहा इसने, उसने मतलब ये कहता है कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर ये मान के चलते हैं कि मानव है, और उस मानव का, मानव जो है वो पृथ्वी का यूज कैसे करता है, वो अलग अलग जगह से अलग अलग खनिज प्राप्त करता है, अलग अलग क्षेत्र में वो रहता है, अलग अलग संसाधनों का यूज करता है, तो ये सब चीजें जो है ये क्या कहलाती हैं, मानव भूगोल कहलाती हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य, देखो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जैविक और अजैविक तथ्य है, जैविक तथ्य देखो जैविक जैसे पेड़ पौधे, अब ये पेड़ पौधे नदी नाले ये मानव के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं कि जहां पेड़ पौधे हैं वहां बरसात होगी, बरसात होगी वहां नदी नाले होंगे, नदी नाले होंगे तो पीने का पानी होगा, मानव वहां पे रहेगा, ठीक है। तो मानव वहां रह रहा है, मरुस्थल में नहीं रह रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वितरण को किसने डिसाइड किया, जैविक घटक ने डिसाइड किया। अजैविक की बात कर लो तो अजैविक के तहत आ जाता है उष्मा, ऊर्जा, ऑक्सीजन, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब वो मानव जो है वो ठंडे इलाकों की बजाय मिडिल इलाकों में रहता है, जहां ना तो गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है। इसका मतलब वहां किसने कहा प्रभावित किया, अजैविक तथ्यों ने प्रभावित किया। जैविक और अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण को, वितरण के संबंध में जो भी वितरण विवरण दिया जाता है, जो भी उसका विवरण दिया जाता है वो मानव भूगोल में दिया जाता है। मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है, मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधित, आपका अपने वातावरण से संबंधित जो भी बात होगी वो मानव भूगोल में ही देखी जाएगी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक द्वितीय, एक सांस्कृतिक होता है, ठीक है ना। कैसे जो ये संबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक सांस्कृतिक होते हैं। प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तथ्यों के प्रभाव व उनमें मानव द्वारा किए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये अध्ययन जो किया जाता है ये मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। आपने इसके नोट्स बनाने हैं अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट रीडिंग इज ये, और 18 प्लस के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए भाई। तो आप आज लगवा के आया हूँ, जरूरी है आपके प्रोटेक्शन के लिए भी और हमारे भी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो तब तक आप कॉलेज नहीं आ सकते जब तक आपके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है आपका, ठीक है ना।
और हम तब तक आपको पढ़ा नहीं सकते जब तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। इसलिए वैक्सीन जुड़ने वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य है, इसमें आगे और उद्देश्यों की बात करते हैं। जो मेनली मानव भूगोल का उद्देश्य यही रहेगा कि मानव कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है, इन संबंधों के बारे में देखा जाता है। और मानव भूगोल में ये भी देखा जाता है कि मानव जो है वो पृथ्वी के जो संसाधन है उनका प्रयोग कैसे करता है। जो संसाधन है, जो लकड़ी है, लकड़ी का काम कैसे, लकड़ी का प्रयोग कैसे लेता है, खनिज है उनका प्रयोग वो कैसे करता है, तो इन सबके प्रयोग का जो वितरण आपने वो विवरण जो दिया, प्रस्तुत किया जाता है, वो किसमें दिया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। ये इसकी संश्लिष्ट बात मैंने आपको बता दी है संक्षेप में। तो मानव भूगोल में यह भी विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी तल पर रहने वाला मानव समूह अपने वातावरण का किस प्रकार प्रयोग करता है, उपयोग करता है। तो देखो मेनली बात यही है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, सीधा साफ से पर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर मानव भूगोल का उद्देश्य है कि मानव अपने वातावरण का प्रयोग कैसे करता है, अपने वातावरण का उपयोग कैसे करता है। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास। मानव वातावरण के अंतर संबंधों के प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ब्रुंश ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है, इन्होंने उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है, क्या लिखते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना, ये मानव भूगोल का उद्देश्य है। ये भी बात वही आ गई, क्या कहते हैं, मानव के क्रियाकलाप तथा भौतिक भूगोल के दृश्य। जो भौतिक भूगोल के दृश्य है, भौतिक भूगोल में आपने क्या क्या पढ़ा था, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब भौतिक दृश्य है। इन दृश्यों के साथ मानव का क्रियाकलाप कैसा है, इसका विवरण करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन तथा क्षेत्रीय संकलन का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल क्या करता है, मानव समूहों द्वारा, उस मानव वर्ग के द्वारा प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन। अब प्राकृतिक वातावरण की बात कर लेते हैं कि प्रकृति में कहीं गर्मी ज्यादा है तो मानव ने कैसे समायोजन किया उसके साथ में, गर्मी ज्यादा है तो पंखा चला लिया और गर्मी ठंड ज्यादा है तो रजाई ओढ़ ली, तो ये क्या है, समायोजन किया उसने, ठीक है ना, एडजस्टमेंट कर ली है। फिर दूसरी बात है तथा क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन, क्षेत्रीय संगठन सॉरी प्रशासकीय वातावरण की बात करने वाले, प्राकृतिक वातावरण में देख लिया, अब सांस्कृतिक वातावरण में क्या होगा कि उसकी संस्कृति कैसी है, वो वहां पर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, वहां पर उसको सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो ये सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। मानव और वातावरण के मध्य परस्पर पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं, मानव और वातावरण के बीच में पारिस्थितिकीय संबंध होते हैं, जैसे जीवों के बीच में, जीवों और वातावरण के बीच में पारिस्थितिकीय संबंध होते हैं, वैसे मानव के भी पारिस्थितिकीय संबंध होते हैं और कार्यात्मक संबंध होते हैं, कार्यात्मक ठीक है, क्रियाशील संबंध होते हैं जो कि आगे क्या के चलते रहते बढ़ते रहते हैं। इन्हीं पारिस्थितिकीय संबंधों के अध्ययन को बेरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा था, इन्हीं को ही क्या कहा था, बेरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा था। मानव एवं वातावरण का विश्लेषण करने के साथ ही इसके इनके मध्य पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये मानव भूगोल में क्या क्या किया जाता है, यही मानव भूगोल का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास में दो स्लाइड रह गई हैं, इनको हम देख लेते हैं। मनुष्य वातावरण में अपने केंद्रीय स्थिति पर स्थिति रखता है, सेंटर पॉइंट रखता है मनुष्य, क्योंकि जो भी अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य को केंद्र में मानकर ही उसका अध्ययन किया जाता है। कि मान लेते हैं कि पहाड़ी इलाका है और वहां पे मनुष्य है, ऐसे माना जाएगा, नहीं है तो फिर वो किसका हो जाएगा, भौतिक भूगोल का विषय हो जाएगा। फिर वो कि पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, पहाड़ी के ढलान कैसी है, पहाड़ी पर
बस जम रही है नहीं जम रही, ठीक है ना, तो वो भौतिक भूगोल का विषय हो जाएगा। लेकिन जब हम उस वहां पे मानव को केंद्रित रखेंगे तो वो मानव भूगोल में एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो विडालीला भाष ने उसे सक्रिय वह निष्क्रिय दोनों माना है, कि मानव सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। वह पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों के समूह सामूहिक योग से निर्मित मृदा का उपयोग करके उसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब देखो मानव क्या करता है, प्राकृतिक शक्तियों के समूह सामूहिक योग से, उन प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग से बनने वाली मृदा। अब ये मृदा बनी कैसे है, मृदा बनती है जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों में भी क्या हो जाता है, कई बार ज्यादा धूप पड़ने से पेड़ पौधे जो है वो सूखने लग जाते हैं। अब सूखने लगे तो पहला कारक कौन आया इसमें, अधिक धूप आई। अधिक धूप का मतलब ये हो गया अजैविक कारक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में वो क्या हुआ, उसको सड़ने लगा, सड़ने लगा तो फिर वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में उसका अपघटन चालू होगा, वो उसके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे नीचे नीचे, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मृदा निर्माण हो जाता है, मृदा का निर्माण इस तरीके से होता है। पिछली क्लास में हमने रीड किया था इसको। तो योग से निर्मित है, देखो अलग अलग योग से निर्मित है ना, अकेले प्रकाश से तो मृदा नहीं बनी। पहले प्रकाश, अधिक गर्मी से क्या हुआ, वो पेड़ पौधा जो है वो सूखा, गिरा नीचे। गिरने के बाद में उसका अपघटन हुआ, अपघटन जो है वो जैविक कारक आ जाता है, प्रकाश जो है अजैविक आ जाता है। तो इसका मतलब सामूहिक योग से निर्मित मृदा का उपयोग करता है कौन, मनुष्य करता है। क्या करके, उसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, विभिन्न जल स्रोतों का सिंचाई तथा जल विद्युत आदि के लिए उपयोग करता है, सिंचाई के लिए उपयोग करता है, जल विद्युत के लिए जल का उपयोग करता है। इस प्रकार मनुष्य एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है, एक महत्वपूर्ण क्या होता है, भौगोलिक तथ्य होता है, तथ्य है, लेकिन वह वातावरण का अंग न होकर केंद्र केंद्रीय स्थिति रखता है। मानव वातावरण का अंग नहीं है लेकिन सेंटर पॉइंट रहेगा उसका, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक सर्कल बनाया हमने और सर्कल का एक बिंदु होता है केंद्र बिंदु, वो मानव है लेकिन सर्कल का हिस्सा नहीं है, वो बिंदु जो है ना वो सर्कल का हिस्सा नहीं है, वो सर्कल के सेंटर में है। जिसके चारों ओर प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं आवृत हैं, उसके चारों तरफ क्या है, प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण समाविष्ट है, स्थित है। इन प्रक्रियाओं के प्रभावों को मनुष्य मौन रहकर सहन नहीं करता। आप भी जानते हैं मनुष्य जो है वो मौन रहकर सहन नहीं करता, वो उसमें बदलाव करता रहता है, चाहे वो अनुकूलतम बदलाव करे, चाहे अलग, चाहे उसे समायोजन करे, ठीक है, चाहे उसमें रूपांतरण करे, सहन नहीं करता। वर्ण वातावरण निरंतर परिवर्तन करता रहता है, इस परिवर्तन के द्वारा ही प्राकृतिक भूदृश्य से सांस्कृतिक भूदृश्य का उद्भव होता है। प्राकृतिक भूदृश्य से अब क्या बन जाता है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य बन जाता है, ठीक है ना। मानव भूगोल के अंतर्गत स्थान को एक विशिष्ट पृथक लक्षण माना जाता है, जो स्थान होता है उसको एक विशिष्ट या पृथक लक्षण माना जाता है। जैसे प्रत्येक स्थान का कोई कोई नाम होता है, अब वो नाम जैसे राजस्थान और पंजाब है, ठीक है ना, ये नाम जो रखे गए हैं ये किसके लिए रखे गए, मानव भूगोल के लिए रखे गए हैं, उसका अध्ययन करने के लिए। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्राकृतिक स्वरूपों को भी स्थान स्वीकार किया जाता है, जैसे लाल सागर, छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी और दक्कन का पठार, ये सब चीजें जो है, ठीक है। इन क्षेत्रों में जब स्वरूप एवं विशिष्ट लक्षणों की समरूपता होती है तो उन्हें प्रदेश कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जो है ना वो उसकी समरूपता है, क्या समरूपता है, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी हर जगह पे, तो उसका मतलब वो समरूपता हुई कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम उसको एक प्रदेश नाम दे देंगे। इस प्रकार पृथ्वी के विशिष्ट किसी विशिष्ट स्थान के संयोजित अध्ययन के लिए प्रादेशिक धारणा की आवश्यक होती है, प्रादेशिक धारणा की आवश्यक होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको प्रादेशिक यानी प्रादेशिक और कर्मबद्ध में क्या डिफरेंस होता है, हम द्वैत बात करेंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रदेश में परस्पर विभिन्न तत्वों, ऊंचावच, जलवायु, वनस्पति, खनिज, फल, जनसंख्या आदि के क्रियाकलापों में पाई जाने वाली आंतरिक संबद्धता को मानव भूगोल सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। आंतरिक संबद्धता, तो ये आंतरिक संबंधता को सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। ओके, लास्ट है हमारे पास में।
स्पष्ट है कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक वातावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन, उसके साथ समायोजन का अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ ही, मानव भूगोल उसका अध्ययन तो करता ही है, उसके साथ ही वातावरण में विद्यमान संसाधन है उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता है, मानव कैसे उसका विकास कर सकता है, उसमें मानव प्रगति के लिए महत्व की स्पष्ट करता है। महत्व को भी क्या करता है, स्पष्ट करता है। कौन? मानव भूगोल। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उससे सांस्कृतिक वातावरण के सृजन तथा उसमें भी मानव निर्मित या सांस्कृतिक तथ्यों से तथा मानव निवास की बस्तियों, नगरीय जनसंख्या के संगमता, सामाजिक संगठन, विज्ञान तथा प्राविधिकी के आधार पर पारिस्थितिक समायोजन को मापते हैं। तो इन सब चीजों को मापा जाता है, इसके तहत मापा जाता है प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उसमें सांस्कृतिक वातावरण के सृजन भी होते हैं। तो ये थी हमारे क्लास में मानव भूगोल का उद्देश्य और मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम करेंगे भूगोल में द्वैतवाद के लिए। ठीक है, द्वैतवाद क्या होता है, ड्यूअलिज्म जो है वो क्या है, ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो आगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए क्लासें कैसे लग रही हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं और वैक्सीन किस किसने लगवा ली है, सब बातें आप डिटेल में बताइए जरूर। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।